हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे संविधान के विशेषज्ञ हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके तरफ से ये बातें कही जाएगी कि इस उनकी वहां पर ऑपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए विपक्षी दल का नेता ही अगर सदन से बाहर रहता है तो उसका लोकतंत्र पर किस संचारण पर क्या इंपैक्ट होता है, ये बातें सुप्रीम कोर्ट इसके पहले कई बार ऐसे मामलों में कह चुका है कि कन्विक्शन जो सिद्धि पर रोक लगाने का जो जहां तक बात की जहां तक बात है तो वो एक्सेप्ट हम तुम्हारे साथ पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल देखिए इंसाफ जो राहुल गांधी का जो जिस पे जो चार्जशीट है जो क्या है, राहुल गांधी ने लोभ महसूस करते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया जिससे दो साल की सजा दी जाए। उस टाइम भी लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं लोअर जुडिशरी पे प्रेशर है। अब उसके बाद आप जब हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट में कोई ऐसा आम आदमी महसूस कर रहा है, आम आदमी बातें कर रहा है कि राहुल गांधी का कोई ऐसा क्राइम नहीं। इस तरह की बातें स्टेज पे छोटी मोटी नुक्ताचीनी एक दूसरे की होती है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा करती है। और जो करेक्टर असैसिनेशन जो कभी सोनिया गांधी के खिलाफ, कभी राहुल गांधी के खिलाफ, कभी तीसरे के खिलाफ, ये हमेशा सबसे ज़्यादा जो करेक्टर असैसिनेशन है सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। आज जो उसको उसकी बेल रिजेक्ट की और उसकी सजा को बहाल रखा, ये हमें पहले ही पता था इसी तरह से होने वाला है। क्योंकि अभी मैं महसूस करता हूं कि जुडिशरी का भी पॉलिटिकल यूज हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज एक एज ए जज जो है वो ऐसा कोई क्राइम नहीं है। राहुल गांधी जी, क्या लगता है जो फैसला आया है, ये फैसला कैसे जो है आपको लगता है कि प्रेशर के बाद जो है इस फैसले को किया गया? देखिए जो आम आदमी जनता जज है, राहुल गांधी ने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जिसे दो साल सजा दी जाए या दो साल से सजा बाहर रखी जाए। जब दोस्त उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है, मोदी नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है और उस बुखलाहट में इस किस्म के वो जो फैसले हैं, जो अनजस्टिफाइड फैसले हैं वो करवा रहे हैं। इस तरह से अपोजिशन की आवाज़ दबा के अपने डिक्टेटरशिप के रूप में आगे चल रही है, उसके हम मुकाबले। देखिए हम अभी मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग करके उसमें प्रोग्राम चॉकआउट करेंगे। हम यहाँ पे ये जो फैक्ट है, ये जो डिक्टेटरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो हम एक्सपोज करेंगे, लोगों में लेके जाएंगे, धरने मुजाहरे होंगे और एक एक जन जन तक हम उनको लोगों को अवेयर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है, लोगों को जेलों में भेज रही है और उसकी उसमें जो इस्तेमाल है वो जुडिशरी का महसूस कर रहे हैं। जुडिशरी का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है, CBI ED तो और IB तो पहले ही इस्तेमाल हो रही थी। इसलिए ये जो जन विरोधी जो स्कीमें हैं इनकी, हमारे 370 ख़त्म कर दिया, हमारे बाहर के लोगों को बसाने की स्टेट का दर्जा हमारा ले लिया, हम कह रहे हैं स्टेट का दर्जा, हम ये जम्मू कश्मीर क्राउन था हिंदुस्तान का दर्जा उसका वापस दो, लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी, लोगों की जान माल की हिफाजत, लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं। इन मसलों को लेके हम लोगों को के बीच में निकलेंगे और जो 2024 के आप कह रहे हो ये कर रहे हैं, 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। और जो जन विरोधी पॉलिसीज हैं, मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है और इनको एक बार भी एक स्टेटमेंट इनकी नहीं आई और खाना जंगी इन्होंने करवा दी, वही जम्मू कश्मीर में करवाने जा रहे हैं। नहीं, मीटिंगें ये तो इलेक्शन के ऊपर इनका रहता है, एक ही इनका फोकस है कि इलेक्शन कैसे जीती जाएं, इलेक्शन कैसे मैनिपुलेट की जाए। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है, पिछला 2 महीने का टाइम हो गया अभी,
और कितने लोग, हजारों लोग वहाँ पे मारे गए हैं, और उसकी तरफ एक बयान नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का। इनकी सरकार है और सेंटर में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, और जब एक बार वोट ले लेते हैं और उसके बाद तो इनको अमेरिका के टूर, तो दूसरे के टूर और अपना पुष्ट पनाई करने के अलावा कुछ नहीं है। आपके सामने पूरा सैंपल है, जब इन्होंने जब ये बरसरे इकदार आए कितने लोगों के साथ वादे किए थे, नौजवानों के साथ वादे किए थे और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ वादे, डेवलपमेंट होगी, 15 लाख आएंगे, रोज़गार मिलेगा, पेंशनें लोगों की ख़त्म कर दी इन्होंने, जितने भी ओल्ड एज पेंशन हो या ये दूसरी सरकार की नौकरी करने वाले पेंशन, सारा आज लोगों को सड़क पे खड़ा कर दी। इतनी महंगाई है कि आज लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज एक बंदा अपना मकान नहीं बना सकता, ये हालत है। और ये देखें जो प्रायोरिटी आज की है कि लोगों को रोज़गार देना और डेवलपमेंट का है, और ये तो हिंदू मुसलमान में बांट के मीटिंगें करेंगे। और आप देखो महाराष्ट्र में किस ढंग से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टियां में दो फाड़ कर रहे हैं, अजीत पवार का आप देखते हो, उसके पहले शिंदे का था, तो यहाँ जहाँ भी उसके पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया या बाकी लोगों को मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार थी कांग्रेस की, तो इनका एक ही है कि ये पावर में कैसे रहते हैं, उसके बाद लोगों को सड़क पे छोड़ देते हैं। ये आप अभी ये मीटिंग इनका यही है कि मीटिंग में अब मुझे जो लगता है जो सर्वे आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये अब इधर जितनी भी पार्टियां कांग्रेस है या बाकी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सारे डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, लेकिन ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, सिर्फ लोगों को उलझा रहे हैं, इसमें मीटिंग ये कर रहे हैं, तैयारी हो रही है, कितनी बार इन्होंने वोटों का रिवीजन किया, को कुछ किया, लेकिन जब भी इलेक्शन ये करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी, ये मैं कहूँ कि लोगों की आवाज़ है कि ये मुंह की खाएंगे, इनकी सफाई हो जाएगी, लोग इनको जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 9 साल में बड़ा फेर बदल हुआ है, अब तो गरीबों को मकान भी दिए जाएंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख दे देंगे, इन्होंने ये भी कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने ये भी कहा बेरोजगारी को जॉब देंगे, इन्होंने तो हमें जम्मू कश्मीर में नंगा कर दिया, 370 टूटने के बाद और स्टेट वापस लेने के बाद हमारी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं रही, जो मर्जी आप देख लो आज जितने काम हो रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट के हो रहे हैं, जितने सारे ठेकेदार जो सारे बाहर के आए हुए हैं, हमारी जो माइंस हैं, माइंस लूटी जा रही हैं, शराब का काम जो था यहाँ के लोगों का वो सारा छीन लिया है, पिछले 9 साल से आप देख रहे हैं कोई रोज़गार नौजवानों को नहीं मिल रहा, तो लोग तो आज तो भूखमरी के कदार पे पहुंच गए हैं, तो ये मतलब ये कहना कि ये काम ये कहते हैं हम ये कर लेंगे वो कर, सिर्फ भाषण देते हैं, भाषण के बिना ग्राउंड पे तो कुछ दिख नहीं रहा इनका। 11 तक आने वाला है, क्या करते? देखो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है कि 370 नहीं भी देंगे तो कम से कम स्टेट को प्रोटेक्ट, स्टेट हमारी वापस करें, ये हमारी सबसे पुरानी स्टेट थी जम्मू कश्मीर और मुक्त था हिंदुस्तान का, और यहाँ के हमारी जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी हो, ज़मीन की सिक्योरिटी हो, स्टेट रोड वापस करें, यहाँ पे इलेक्शन करवाएं, ये हमारा 370 पे सुप्रीम कोर्ट, उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारी डिमांड है, ये तो पॉलिटिकल सरकार खुद भी कर सकती है, बाकी जहाँ 370 का है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में मसला है, उसमें मैं मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, ना ही मैं कमेंट्री उस पर करूँगा। सर हमारी आपकी बैठक होने जा रही है? बैठक हमारी जो बैठकें हैं वो लोगों के हित के लिए हैं, हमारी जो बैठकें हैं कि लोगों की बेहतरी कैसे हो सकती है, दिल्ली में बैठक होती है कि हिंदुस्तान के लोगों के सारी बेहतरी कैसे हो सकती है, जम्मू कश्मीर में हम बैठक करते हैं कि जम्मू कश्मीर जिनको सड़क पे खड़ा कर दिया है उनका जॉब, हर नौजवान को रोज़गार मिलना चाहिए, यहाँ की लोगों की जायदाद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ का स्टेट हुड वापस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब आप रजौरी पूंछ में देखो, आपने एक तरफ मतलब कि ST दे दी, दूसरी तरफ तुमने पहाड़ियों को कह दिया, फिर पहाड़ी को भी मिल गई इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, गुजर को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जब जो मणिपुर के जो हालात हुए हैं वही ये जम्मू कश्मीर में भी करने की मुझे लग रहा है, जिस ढंग से रिजर्वेशन ये चला रहे हैं उसी ढंग से ये मुझे लग रहा है कि यहाँ भी वही हालात खड़े कर देंगे, वो हालात खड़े करके ये वोट लेना चाहते हैं कि इनको
वोट मिलने चाहिए किसी तरीके से, चाहे लोगों की जान ले जाएं या लोगों के में सिविल वार हो, जो मर्जी हो, यही इनका मेन मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस का लोगों की बेहतरी के लिए हमारे जरूरी है।